अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन YouTube चैनल जेके स्टूडेंट्स। सो गाइस, यहां पे हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज सुकास्ट कश्मीर और सीयूईटी एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी कोर्स के लिए एंट्रेंस होता है बी फार्मेसी और डिप्लोमा कोर्स के लिए, उनके लिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज पार्ट फर्स्ट इसका अपलोड किया जा रहा है। तो आप सबको पता होगा कि अभी आने वाले टाइम में कुछ मंथ्स में ये सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं और ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक से हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और वो भी आस्क्ड एमसीक्यूज एंड एनसीईआरटी के रिलेटेड जो पूछे जाते हैं वो एमसीक्यूज और जो एनसीईआरटी से बाहर भी पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम हर एक चैप्टर से 200 एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो तब भी आप यहाँ पे बता देना कॉमेंट सेक्शन में आपको इस वीडियो के क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आते थे, या अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, कंफ्यूजिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शॉर्ट फॉर्म है, और नर्वस सिस्टम से यहाँ पे जो है क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज इज क्वेश्चन नंबर वन, क्या पूछा गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर वन इज गाबा, दैट इज गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड इज, यहाँ पे पूछा जा रहा है गाबा क्या है, जिसकी फुल फॉर्म गाबा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड है। ऑप्शंस बताए गए हैं, इनहिबिटरी न्यूरो हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रांसमिटरी न्यूरो हार्मोन, ऑप्शन नंबर थ्री इज एंटीकॉगुलेंट और नन, आपको बताना है ये क्या है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गाबा, दैट इज गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड इज इनहिबिटरी न्यूरो हार्मोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछा गया है, निचलस बॉडी इज फाउंड इन न्यूरॉन्स, और जो निचलस बॉडीज न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं वो क्या है। ऑप्शन आर मेड ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर टू इज मासेस ऑफ आरिया, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन नंबर थ्री इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोफिब्रिल्स, एंड ऑप्शन नंबर फोर इज मासेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर टू का दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मासेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नेजलस बॉडी जो होते हैं वो मासेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या पूछा गया है, नोड्स ऑफ रेनवियर्स आर फाउंड इन, नोड्स ऑफ रेनवियर्स किसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन आर ब्रेन, हार्ट, एग्जॉन और आई। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज एग्जॉन, एग्जॉन पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है और उसी में नोड्स ऑफ रेनवियर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर क्या पूछा गया है, आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो कि आपका मतलब कि जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देख लेना या बता देना कि कौन सा ऑप्शन राइट है, या आप खुद भी यहाँ पे चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन राइट है, फिर लास्ट में बता देना आपके कितने सही हुए थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, एफेरेंट नर्व फाइबर कंडक्ट्स इंपल्स फ्रॉम, एफेरेंट नर्व फाइबर जो है वो कहाँ से इंपल्स कंडक्ट करती है, ऑप्शन आर सी एन एस इफेक्टर, ऑप्शन नंबर टू इज रिसेप्टर टू सी एन एस, ऑप्शन नंबर थ्री इज रिसेप्टर टू इफेक्टर, एंड ऑप्शन नंबर फोर इज इफेक्टर टू रिसेप्टर। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज रिसेप्टर टू सी एन एस, रिसेप्टर टू सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक एफेरेंट नर्व फाइबर इम्पल्स कंडक्ट करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या पूछा गया है, नेजलस ग्रैन्यूल्स ऑकर्स इन विच पार्ट एंड व्हाट इज देयर मेन फंक्शन, यहाँ पे बताया जा रहा है नेजलस ग्रैन्यूल्स है वो कौन से पार्ट में पाए जाते हैं और उनकी मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन नंबर वन इज न्यूरॉन्स एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर टू इज ब्लड एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर थ्री इज सार्कोप्लाज्म एंड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, एंड ऑप्शन नंबर फोर इज म्यूकस सेल एंड सेक्रेट्स म्यूकस। तो इसका ईजी सा यहाँ पे ईजी सा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी ईजी दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट ऑप्शन नंबर ए, दैट सी पाया जाता है नेजल्स ग्रैन्यूल्स जो है वो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, एंड दिस हेल्प्स इन न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या पूछा गया है, द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट परफॉर्म बेसिक सेलुलर फंक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा पार्ट ऑफ न्यूरॉन है जो बेसिक सेलुलर एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करता है और जिसमें यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी आता है, ठीक है। ऑप्शन आर एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स, साइनेप्टिक नॉब्स और सोमा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर फोर, दैट सोमा ऑफ द न्यूरॉन परफॉर्म्स बेसिक सेलुलर फंक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, सोमा, और जिसे सेल बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या पूछा गया है, द नर्व्स लीडिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड, यहाँ पे जो नर्व्स लीड करते हैं टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्शन आर एफेरेंट नर्वस, इफेरेंट नर्वस मोटर और नन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एफेरेंट, जो यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाता है एफेरेंट नर्वस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट क्या पूछा गया है,
यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पहले पहले हम यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर एडवांसड आगे आगे एडवांस, क्योंकि 200 क्वेश्चन इस चैप्टर से, हर एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? ऑप्शन आर न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, एक्सॉन और साइटॉन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर। यहाँ पे इंटीग्रेटिव सिस्टम बॉडी का कौन सा है? ऑप्शन आर एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बोथ 1 एंड 2। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट ऑप्शन नंबर 4, दैट्स बोथ 1 एंड 2, दैट्स एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इन द बॉडी इज इन एन इंटीग्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, द शिवान शीथ इज, शिवान शीथ जो न्यूरॉन्स में पाया जाता है वो क्या है? ऑप्शन आर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ऑप्शन नंबर 2 इज एसोसिएटेड विद माइलिन शीथ, ऑप्शन नंबर 3 इज कनेक्टिव टिश्यू सेल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एसोसिएटेड विद माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 4, द शिवान शीथ इज एसोसिएटेड विद माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटीज ह्यूमन इज अचीव्ड इन ह्यूमन इज अचीव्ड बाई। यहाँ पे बताया जा रहा है रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ इन ह्यूमन इज अचीव्ड बाई, कैसे अचीव किया जाता है, क्या रैपिड इंटीग्रेशन एंड फंक्शनल एक्टिविटीज? ऑप्शन आर नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड और मस्कुलर सिस्टम। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज नर्वस सिस्टम की वजह से हम रैपिड इंटीग्रेशन एंड फंक्शनल एक्टिविटीज कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड आर मोस्ट न्यूमरस इन द बॉडी। यहाँ पे कौन से टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं बॉडी में? ऑप्शन आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स और सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूनिपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की डिफरेंस क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, शीथ ऑफ शिवान ऑकर्स इन, शीथ ऑफ शिवान कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन आर न्यूरॉन्स, डेंड्रॉन्स, एक्सॉन्स और न्यूरोग्लिया। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सॉन्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज एक्सॉन्स। एक्सॉन्स में शीथ ऑफ शिवान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, विच सेल ऑर्गनेल इज एब्सेंट इन न्यूरॉन्स। यहाँ पे कौन सी सेल ऑर्गनेल एब्सेंट होती है न्यूरॉन्स में? ऑप्शन आर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, राइबोसोम और न्यूक्लियस। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट सेंट्रियोल इज अ सेल ऑर्गनेल दैट्स एब्सेंट इन न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, नर्व फाइबर्स आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग फैटी लेयर कॉल्ड। यहाँ पे नर्व फाइबर्स सराउंड किए जाते हैं इंसुलेटिंग फैटी लेयर से, उन्हें उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सर एडिपोज शीट, हाइलिन शीट, माइलिन शीट और पेरिटोनियम। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज माइलिन शीट। माइलिन शीट से कवर होता है नर्व फाइबर, ठीक है, इंसुलेटिंग यहाँ पे इंसुलेटिंग फैटी लेयर है माइलिन शीट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, माइलिनोजेनेसिस और माइलिन फॉर्मेशन प्रोसेस ऑकर्स इन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे बताया जा रहा है जो माइलिनोजेनेसिस है, माइलिन फॉर्मेशन जो फैटी इंसुलेटिंग लेयर है जो यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स को यहाँ पे सराउंड करती है, वो यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन जो है वो सीएनएस में होती है। ऑप्शन नंबर 1 बाई शिवान सेल्स, बाई ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर 3 इज बाई एक्सोलेमा एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बाई न्यूरोलेमा। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बाई ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ माइलिन करते हैं या माइलिनोजेनेसिस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 17, क्या आपके लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और 17 और 20 क्वेश्चंस तक आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम इस चैप्टर से 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए एक वीडियो में लाए तो आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए हम शॉर्ट ही वीडियो रखेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड ऑफ रेनवियर ऑफ नर्व। ऑप्शन आर न्यूरोलेमा इज डिसकंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर 2 इज माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर 3 इज बोथ न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। नोड ऑफ रेनवियर में माइलिन शीथ जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो एंड हो जाता है आज का, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।